दोस्तों कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल मजे में। तो दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया रेसिपी लेके आया हूँ जो कि बनाना बहुत ही सिंपल है और बहुत आराम से आप बना सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द ब्रेड टोस्टर में बनाने जा रहा हूँ मैं ये सैंडविच ब्रेड टोस्टर में, और बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है। ये देखिए, ये दिस इज कॉल्ड द ब्रेड टोस्टर। इसमें हम डालेंगे, ये देखिए इसके अंदर, और बहुत ही सिंपल है इसको बनाना। मैं आपको रेसिपी बताता हूँ कैसे बनाना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ग्रीन चटनी ली हुई है, यहाँ पे मैंने, आप देख सकते हैं, एक सब्जी है मेरे पास, आलू की सब्जी, आप कोई भी इसमें वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे मैंने स्लाइसेस लिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आप स्लाइसेस कोई भी यूज़ कर सकते हैं। सो आइए दोस्तों रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो बिल्कुल लाइक करना, अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही सिंपल रेसिपी है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं ऐसी वीडियो आपके लिए बढ़िया वाली रेसिपी लेके आता रहता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा सो दैट लोग इसका जरूर फायदा उठा पाए। सो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ये ब्रेड ले लिया है, ब्रेड पे मैंने चटनी को ऐसे स्प्रेड कर दिया है, देखिए सिंपल तरीके से ऐसे स्प्रेड कर देना है एक ब्रेड में, और सिंपल सेकेंड ब्रेड में मैंने इसमें वेजिटेबल डाल दिया है, ये देखिए ऐसे करके वेजिटेबल को स्प्रेड कर देना है इस पर, ऐसे ऐसे। नाउ दिस इज डन। अब दोस्तों इसके ऊपर लगा देना है हमें सिंपल ऐसे, ये देखिए नाउ हमारा सैंडविच इज रेडी। अब हम इसको ब्रेड टोस्टर में डालेंगे। दोस्तों इसको ब्रेड टोस्टर में डालने से पहले हल्का सा इसमें ग्रीस कर लेंगे। यहाँ पे मैंने हल्का सा घी का यूज़ किया है, आप कोई भी ऑयल या फिर कोई भी बटर यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने ये सैंडविच को यहाँ पे रख दिया है, ये देखिए, और इसको हम ऐसे करके क्लोज कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, और इसको धीमी धीमी आंच पे ऐसे करके 1 से 2 मिनट पकाएंगे। दोस्तों इसमें ये आपको खास ध्यान रखना है, देखिए मैंने गैस बिल्कुल धीमी किया हुआ है, इसमें आपको ये खास ध्यान देना है कि बिल्कुल धीमी आंच पे इसको पकाना है दोस्तों, और धीमे धीमे ऐसे करके बीच बीच में रोस्ट करना है 5 से 10 सेकेंड में, नहीं तो ये इवनली इसमें आपका पकेगा नहीं और जलने का पूरा चांसेस रहेगा। देखिए मैं आपको एक बार खोल के दिखाता हूँ, देखिए इसने कैसे बेस बना लिया है। अभी इसको हम ऐसे बंद कर देंगे सिंपल, और ये पकता रहेगा। अगर हम ऑयल ग्रीस नहीं लगाएंगे ना दोस्तों, ऑयलिंग या ग्रीसिंग नहीं करेंगे तो ये नीचे ग्रिप बना लेगा और जलने का पूरे चांसेस है, पकड़ लेगा नीचे। सो बिल्कुल आपको लाइट ग्रीसिंग करना है, ज़्यादा नहीं। दोस्तों आपके पास अगर चटनी नहीं है, अगर आपके पास, जैसे मेरे पास ग्रीन चटनी थी तो मैंने ग्रीन चटनी यूज़ कर दिया, अगर आपके पास ग्रीन चटनी नहीं है सो आप इसमें कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक सॉस हो गया या कुछ भी ऐसा आप डाल सकते हैं इसमें। तो दोस्तों हमारा 15 से 20 सेकेंड हो गया है, मैंने इवेनली इसको कर लिया। अब इसको हम खोलते हैं, देखते हैं कैसा बना है। ये देखिए दोस्तों कितना बेहतरीन लग रहा है, और ये बिल्कुल पकड़ा भी नहीं है, देखिए नीचे, ये देखिए पूरा आराम से निकल जा रहा है। हम इसको दूसरी तरफ भी एक बार चेक कर लेते हैं बंद करके। ये देखिए दोस्तों कितना लाजवाब लग रहा है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों मैंने इसको प्लेट से निकाल लिया, कितना क्रिस्पी और क्रंची लग रहा है ये। तो दोस्तों इसको जरूर एक बार आप लोग ट्राई करिए, ये खाने में बहुत ही लाजवाब होगा और अल्टीमेट होगा दोस्तों। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई दोस्तों। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।